इंडिया में लोग काफी रैश ड्राइविंग करते दिखते हैं, जिस वजह से हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट और उन एक्सीडेंट में डेथ इंडिया में ही रिपोर्ट करी गई है। इसलिए आपका खुद कंट्रोल स्पीड पर ड्राइव करना जरूरी है, साथ ही एक सेफ कार चुनना भी, ताकि दूसरों की वजह से होने वाले एक्सीडेंट में आप सेफ रह सके। आज एक वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल एक्सीडेंट शेयर किया गया है, जहां BMW 320D को फाड़ते हुए गार्ड रेल आगे से पीछे पूरा निकल गया। ये वाकई डेंजरस एक्सीडेंट था और फाइनल डेस्टिनेशन मूवी का एक सीन नजर आता है। हालांकि ड्राइवर का हाल यहां वो नहीं हुआ जो अक्सर फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में दिखाया जाता है। एक्सीडेंट SG हाईवे गुजरात से रिपोर्ट किया गया है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। वीडियो से साफ पता चलता है कि ये एक वाकई हाई स्पीड एक्सीडेंट रहा होगा। यहां BMW के सामने अचानक से कोई गाड़ी आ गई या क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं है, पर हाई स्पीड पर ड्राइव करने की गलती यहां साफ नजर आती है, जिसमें कोई भी 5-स्टार या BMW काम नहीं आने वाला। एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि इंजन ब्रेक को चीरते हुए ड्राइवर सीट केबिन सब फाड़ते हुए बूट डोर से यहाँ बैरियर बाहर निकला नजर आता है। हालांकि कमाल की बात यहाँ ये रही कि ड्राइवर यहाँ सेफ थे, पर इस तरह के एक्सीडेंट आपको ये सबक जरूर देते हैं कि हाई स्पीड पर ड्राइव करना कितना खतरनाक हो सकता है, जिसमें BMW या लग्जरी कार्स के भी ऐसे हाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ अगर को पैसेंजर सीट में कोई बैठा होता या पीछे की तरफ कोई बैठा होता तो उसके बचने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। इसलिए हमेशा स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं और ड्रंक ड्राइविंग ना करें, क्योंकि इस तरह का हाल अगर हाई स्पीड में BMW जैसी कार का हो सकता है तो किसी भी कार का हो सकता है। आपको इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस एक्सीडेंट को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इससे सीख लेते हुए हाई स्पीड पर ड्राइव ना करें और कंट्रोल स्पीड में गाड़ी चलाएं। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ़।